गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी हैड अंडरस्टैंड एंड डू एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 to 4 इन मैथ. टुडे इन मैथ वी विल अंडरस्टैंड एंड डू एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 to 7. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. ए फ्लोरिस्ट हैज 2156 रेड रोजेज एंड 1056 वाइट रोजेज. ही सोल्ड 2956 रोजेज. हाउ मैनी रोजेज आर लेफ्ट विद हिम. देखो क्वेश्चन में दिया है ए फ्लोरिस्ट, एक फूल वाले के पास 2156 रेड रोजेज है, लाल गुलाब है, और 1056 वाइट रोजेज, सफ़ेद गुलाब है. ही सोल्ड 2956 रोजेज. उन फूलों में से उसने 2956 गुलाब बेच दिए. हाउ मैनी रोजेज आर लेफ्ट विद हिम. तो अब उसके पास कुल कितने फूल बचे. क्वेश्चन सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर पहले से ये सब लिखा हुआ है. सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रेड रोजेज. फर्स्ट उसने हमें क्या दिया है, फ्लोरिस्ट के पास रेड रोजेज नंबर. तो रेड रोजेज कितने हैं उसके पास, 2156. नंबर ऑफ रेड रोजेज 2156. सेकेंड हमें दिया है वाइट रोजेज, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट रोजेज. कितने थे वाइट रोजेज, 1056. तो अब हम देखेंगे कि उसके पास रेड रोजेज और वाइट रोजेज टोटल कितने हैं. तो टोटल नंबर ऑफ रेड एंड वाइट रोजेज, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, रेड रोजेज और वाइट रोजेज के नंबर्स को ऐड कर देंगे. ऐड करते हैं, 6 में 6 प्लस करेंगे 12 का 2 नीचे लिखेंगे और 1 कैरी लेंगे. 5 में 5 प्लस करेंगे 10 में 1 कैरी प्लस करेंगे 11 का 1 नीचे लिखेंगे और 1 कैरी लेंगे. 1 में 0 प्लस करेंगे 1 में 1 कैरी प्लस करेंगे 2. अब हमारे पास यहाँ पर कोई कैरी नहीं है. 2 में 1 प्लस करेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 3. तो टोटल नंबर ऑफ रेड एंड वाइट रोजेज 3212. टोटल कितने फूल है उसके पास रेड और वाइट के, 3212. क्वेश्चन में हमें बताना है हाउ मैनी रोजेज आर लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने फूल बचे. टोटल नंबर ऑफ सोल्ड रोजेज इन ए फ्लोरिस्ट, उस फ्लोरिस्ट ने टोटल कितने फूल बेचे, 2956. सो रोजेज लेफ्ट इज, उसके पास से कुल कितने फूल बचे. रोजेज आर लेफ्ट, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेड एंड वाइट रोजेज में से बेचे हुए फूलों को माइनस कर देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ रेड एंड वाइट रोजेज इज 3212. और हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, टोटल नंबर ऑफ सोल्ड रोजेज इन ए फ्लोरिस्ट, उस फूल वाले ने कुल कितने फूल बेचे, 2956. तो हम टोटल रेड वाइट रोजेज नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सोल्ड रोजेज को, बेचे हुए फूलों को माइनस करते हैं, साइड में करते हैं माइनस. 3212, 2956 सब्ट्रैक्ट. 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, 1 से 110 बोरो लेंगे तो 110 प्लस 2 12 में से 6 माइनस करेंगे 6.
वन से हमने 110 बोरो लिया था, तो यहाँ पर रिमेनिंग हुआ 0। 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो 2 से 110 बोरो लेंगे, तो 110 प्लस 0 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5। 2 से 110 बोरो लिया था, यहाँ पर रिमेनिंग हुआ 1। 1 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो 3 से 110 बोरो लेंगे, 110 प्लस 1 11। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग होगा 2। 3 से 110 बोरो लिया था, तो यहाँ पर रिमेनिंग हुआ 2। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो कितने फूल हुए 256। सो 256 वाज रोजेस लेफ्ट विद हिम, उसके पास 256 रोजेस लेफ्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया क्वेश्चन में, हमने नंबर ऑफ रेड रोजेस, रेड रोज के नंबर लिखे, फिर वाइट रोज के नंबर लिखा, फिर हमने टोटल नंबर ऑफ रेड एंड वाइट रोजेस, रेड रोजेस और वाइट रोजेस का टोटल नंबर निकाला, तो टोटल उसके पास रेड और वाइट रोजेस है 3212। उसने कुल कितने फूल बेचे, ही सोल्ड 2956 रोजेस, इतने फूल उसने बेच दिए, तो हम माइनस कर लेंगे टोटल रेड एंड वाइट रोजेस नंबर से सोल्ड नंबर्स को, 3212 माइनस 2956 इक्वल 256। सो 256 वाज रोजेस लेफ्ट विद हिम, उसके पास 256 रोजेस लेफ्ट हुए। नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, ए मैन अर्नड रुपीज 9860 पर मंथ, ही स्पेंड रुपीज 2850 ऑन फूड एंड रुपीज 1050 ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम। देखो क्वेश्चन में दिया है, एक आदमी 9860 रुपीस पर मंथ एक महीने में कमाता है, ही स्पेंड रुपीस 2850 ऑन फूड, इतने रुपये वो भोजन पर खर्च करता है, एंड और रुपीस 1050 ऑन एजुकेशन, और एक 1050 रुपीस शिक्षा पर ऑफिस चाइल्ड अपने बच्चे के, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कुल उसके पास कितने पैसे बचे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, अर्निंग ऑफ मैन, वो आदमी कितने पैसे कमाता है मंथ में, रुपीज 9860। ही स्पेंड्स ऑफ फूड, वो भोजन पर कितने रुपये स्पेंड्स करता है, 2850। ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन, और एजुकेशन पर 1050, तो हम निकालेंगे टोटल मनी ही स्पेंड्स, और वो टोटल कितने पैसे खर्च करता है, तो हम फूड एंड एजुकेशन के स्पेंड्स को प्लस करेंगे पहले कि वो टोटल कितने रुपये खर्च करता है, 2850 प्लस 1050, तो दोनों को प्लस करेंगे, मैंने यहाँ पर किया हुआ है, 0 में 0 प्लस करेंगे 0, 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 10 की 0 नीचे लिखेंगे 1 कैरी, 8 में 0 प्लस करेंगे 8, और 8 में 1 कैरी प्लस करेंगे 9, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो हमारा सम्स हुआ 3900, तो टोटल कितने रुपये खर्च हो गए उसके, 3900। अब हमें क्वेश्चन में बताना है उसके पास कितने पैसे बचे, सो मनी लेफ्ट इज, तो हम क्या करेंगे उसके टोटल अर्निंग में से उसके स्पेंड्स को माइनस कर देंगे, तो अर्निंग कितनी है उसकी, 9860 माइनस स्पेंड्स 3900, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, 8 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, 9 से 110 बोरो लेंगे, तो 110 प्लस 8 18, 18 में से 9 माइनस करेंगे 9, 9 से हमने 110 बोरो लिया था, तो यहाँ पर रिमेनिंग हुआ 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5,
कितना हुआ उसके पास, 100 रुपीज़ 5,960 इज लेफ्ट विद हिम, उसके पास 5,960 रुपीज़ बचे। टोटल अर्निंग कितनी थी, 9,860, उसमें से उसने 2,850 स्पेंड्स के फूड पर, 1,050 स्पेंड्स किए एजुकेशन पर, तो टोटल उसने कितने रुपये स्पेंड्स किए, 3,900। उसकी अर्निंग थी 9,860 में से माइनस किया उसकी स्पेंड्स को 3,900, तो रिमेनिंग हुआ 5,960 इज लेफ्ट विद हिम। तो आज आप मैथ में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 5 to 7 अपनी नोटबुक में करेंगे।